हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर, आई वाज अ टीचर एंड आई यूज्ड टू बी अ टीचर, इन दोनों में फर्क क्या है? फिर उन्होंने कहा कि आई हैड लॉन्ग हेयर एंड आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, दोनों में फर्क क्या है? गाइस, वैसे तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आप बिल्कुल एक डिफरेंस की बात करते ही हैं कि क्या डिफरेंस है, तो कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, अगर आप कहते हैं कि आई वॉज अ टीचर, ये एक पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे आप कहते हैं कि ओके यार, इन 2010 आई वॉज अ टीचर। सो ठीक है, आई वॉज अ टीचर का मतलब है कि ठीक है, 2010 में मैं एक टीचर था, बात खत्म हो गई। अब मैं अभी टीचर हूं नहीं हूं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि आई यूज टू बी अ टीचर, इसमें कहीं ना कहीं ऑन गोइंग कंटिन्यूअल दिखता है। इसमें ऐसा दिखता है कि बंदा इस वक्त तो टीचर नहीं है, अभी वो रिटायर्ड हो गया है या कुछ भी है, लेकिन वो अपनी पुरानी बात बताकर कह रहा है कि बेटा बता, पता है हम भी कभी टीचर हुआ करते थे। यू नो, आई यूज टू बी अ टीचर, यू नो आई यूज टू बी अ डांसर। अगर कोई कहता है कि आई यूज टू बी अ डांसर, इसका मतलब है कि अब वो डांसर नहीं है, ही इज नो लॉन्गर अ डांसर। लेकिन वो अपनी पुरानी बातों को याद करके कह रहा है कि हम डांसर हुआ करते थे बेटा। तो हुआ करते थे मतलब ऐसा नहीं कि वो एक साल डांसर था फिर नहीं था, मतलब वो लंबे समय तक एक डांसर की जिंदगी जिया होगा, अब वो नहीं जीता है। तो ये फर्क है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में अभी भी कह रहा हूं कि इंसान बोल देते हैं आई वॉज अ टीचर, आई यूज टू बी अ टीचर, बट ये डिफरेंस है। आई वॉज अ टीचर में ये पता नहीं चलता है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो बोले कि अच्छा 2010 में मैं टीचर था, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर अभी मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन आई यूज टू बी अ टीचर में लगता है कि लंबे समय से टीचर की जिंदगी वो जी रहा था, अब ऐसा नहीं है। ये जरा सा फर्क इसमें दिखता है गाइस। अब बात करते हैं कि आई हैड लॉन्ग हेयर। अब मैं बोलूं कि अच्छा यार, जब मैं सिक्स क्लास में था तो मेरे लंबे बाल थे, तो आई हैड लॉन्ग हेयर व्हेन आई वाज इन क्लास सिक्स। और कोई कहता है यू नो आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, तो यूज टू हैव लॉन्ग हेयर का मतलब है कि इस वक्त तो उसके लॉन्ग हेयर नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब लॉन्ग हेयर काफी उसके हुआ करते थे, मतलब उसने लॉन्ग हेयर वाली जो जिंदगी है उसने काफी जी है, मतलब एक बहुत सारा ऐसा समय बिताया है जब उसके लंबे बाल हुआ करते थे। बस ये थोड़ा सा फर्क मैं बताऊंगा, नहीं तो आप कैसे भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? तो बोलिए कि एक 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 शरीफ लड़का अभी है और वो कह रहा है कि हम भी कभी ना एकदम गुंडे हुआ करते, तो आई यूज टू बी लगाएगा। यू नो आई यूज टू बी रफियन, आई यूज टू बी अ मिसक्रिएंट, आई यूज टू बी अ बैड बॉय, ऐसे करके बात कर सकता है। आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।